आज मैं आपको बताने लगा, अगर आपको जो अपने कंप्यूटर में विदाउट ब्लूटूथ कार्ड, अगर मेरे कंप्यूटर में ब्लूटूथ कार्ड ऐड नहीं है और आप आपके कंप्यूटर में भी नहीं है, मेरे कंप्यूटर में भी नहीं, अगर आपको उसको चलाना है अपने ब्लूटूथ हेडफोन को विदाउट ब्लूटूथ कार्ड अपने कंप्यूटर में, आप कैसे चला सकते हो उसके लिए? गाइस आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताया था। ये गाइस ऑडियो रियली के एक करके ऐप है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कंप्यूटर वाली और मोबाइल वाली भी मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मोबाइल वाली गाइस आप प्ले स्टोर डाउनलोड करोगे तो प्ले स्टोर से लिंक नहीं आएगी, तो आप मैं आपको जो है गाइस बता दूंगा आप मोबाइल की कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अभी मोबाइल में भाई कंप्यूटर मैंने डाल रखी ऑडियो रियली ऐप, अब चल देगा इस मोबाइल वाले प्ले स्टोर में। अगर आपको मोबाइल का प्ले स्टोर खोल लेना है, यहाँ पर आने बाद आपको ऊपर टाइप करना है ऑडियो रियली, जो भी आपने कंप्यूटर में डाला था इसको डाउनलोड करना है, इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने बाद देखोगे मेरे कंप्यूटर का नेम यहाँ पर लिखा रहा है, यहाँ पर आप कंप्यूटर के कोड पर देखोगे तो कंप्यूटर का कोड यहाँ पर आईपी एड्रेस है, ठीक है। और गाइस पहली बात, अगर मेरा वॉइस कट हो जाती है तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि ये इस ऐप को कनेक्ट करने पर शायद वॉइस भी कट हो जाए, मेरे को पक्का नहीं पता, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये वॉइस कनेक्ट कर रखी है अपने कंप्यूटर में, यहाँ से तो मेरी आवाज़ बंद हो गई होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये अपना स्क्रीन कनेक्ट हो जाएगी कंप्यूटर से, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऐप को खोल लेना, ठीक है। अब जब आप इस पर कनेक्ट क्लिक करोगे तो जब मेरे पीसी से कनेक्ट हो चुका है, जब आप पीसी में यहाँ पर देखोगे वीवो 1921 जो मेरे कंप्यूटर मोबाइल का नेम था वो यहाँ पर शो हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं आप कैसे अपना ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले गाइस मेरे कैमरा ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले गाइस यहाँ पर एक मिनट गाइस, ठीक है। सबसे पहले गाइस आपको अपना हेडफोन अपने साथ में ले लेना है और यहाँ पर जो है ये देखोगे इसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है, ये वाला बटन पावर वाला जिस पर पावर बना होगा तो लॉन्ग प्रेस करना है और ये आपका चालू देगा। इधर आपका स्पीकर भी है तो आपको स्पीकर को पहले चालू करना है जैसे चालू होता है वो, ठीक है। उसके बाद गाइस क्या करना है आपको अपने मोबाइल के ब्लूटूथ पे चले जाना है, ओपन कर लेना ब्लूटूथ को। यहाँ मैंने ब्लूटूथ खोल लिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपना जो भी हेडफोन का या स्पीकर का नाम था उसको कनेक्ट कर लेना अपने कंप्यूटर से, सॉरी मोबाइल से। उसके बाद जो भी मैं अपने उसमें चलाता हूँ जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको साउंड अपने आप आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो आपको साउंड अपने आप शो हो जाएगी, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर रियल टेक का एच डी मैनेजर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा वेट करना, जो मैं रियल टेक का एच डी मैनेजर ओपन कर लेता हूँ एक बार यहाँ पर। हाँ मैंने पिन लगा दी गाइस रियल टेक की, ठीक है। तो यहाँ पर रियल टेक का एच डी मैनेजर ओपन हो चुका है, यहाँ पर एक बार इमेज को कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको साथ साथ मोबाइल स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये अपने मोबाइल स्क्रीन है और यहाँ पर देखोगे ये मैंने कहा अपने हेडफोन के पास जो है रख रखा है। मैं अगर आपको दिखा देता हूँ, कैमरा ऑन कर लिया है, ये मैंने अपना हेडफोन के अंदर रख रखा है ताकि मेरी स्क्रीन भी आपको शो हो जाए, ठीक है। यहाँ से तो शो कोई बात नहीं, यहाँ से रिकॉर्ड हो रही है, मैं चालू करता हूँ उसको। तो ये जो है व्यवहार आपको अपने मोबाइल की आवाज़ तेज़ कर लेनी है, अगर आप जिसमें भी कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ से आवाज़ तेज़ कर लेता हूँ, मैंने फुल कर दी। अब मैं इसको चलाता हूँ यहाँ पर, तो आप देखते तो मेरे हेडफोन से आवाज़ आ रही है। और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी कि मेरे फ्रंट पैनल पे जो है सिर्फ एक वायर लग रखी है, ये वाली जिसमें कुछ कनेक्ट नहीं हो रखा, मैं उसको भी दिखा देता हूँ एक बारी, ठीक है। इसकी जो पॉइंट है यहाँ पर आप देखोगे ये रहा इसका लास्ट पॉइंट जो था एंड पॉइंट, ठीक है। जैसे कि बस पूरी वायर है, कोई भी कट नहीं हो रही बीच में से, उसको मैं निकाल देता हूँ फिर भी आपको दिखा दूंगा। और मैं भाई बैक जैक पे भी आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा है, तो गाइस ये अपना यहाँ पर बैक जैक मेरी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो बैक पे भी मेरा कोई जो है कुछ लग रखा है वायर वगैरह, और यहाँ पर देख सकते हो कोई भी स्पीकर की वायर नहीं, कीबोर्ड और माउस का है, ठीक है गाइस। और गाइस आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप डायरेक्ट कनेक्ट करो, उसके लिए गाइस आपको जो ब्लूटूथ अडेप्टर है या कार्ड उसको चलाना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।